हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस कॉर्नर। तो ये वीडियो रे हमें डिस्कस करिबा पार्लियामेंट रो लास्ट सेशन, हमें इतरे डिस्कस करिबा बा पार्लियामेंट रो एटा लास्ट लेक्चर। ओके, तो ए लेक्चर रे बहुत सारे बहुत कम टाइम मु तमन को एक्सप्लेन करिवि, बट सबुठ इम्पोर्टेंट पार्ट हला ए वीक रे जो तमरो टेस्ट हबो, से टेस्ट को नेकी जो जिंस तमरो एग्जाम रे पडिबो ताकु नेकी मु तमको डिस्कस करबी, सो दैट तमे एग्जाम रे भलोसे आंसर दे पारिबो। तो पार्लियामेंट को नहीं कि पार्लियामेंट रो बहुत सारा रोल अच्छी, से हेडिंग देखिए कौन देखो मल्टीफंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। या आगुरु हमें कौन पढ़ते ना बजेट पार्ट को पढ़ते, तापर डिफरेंट अकाउंट्स मान को डिस्कस करते ना नहीं। तो मल्टीफंक्शनल रोल पार्लियामेंट माने कौन, जदि हमें गोटे वार्ड में कहता इंडियन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इंडियन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पार्लियामेंट ऑक्युपाई ए सेंट्रल पोजिशन एंड हाज ए मल्टीफंक्शनल रोल। तो मल्टीफंक्शनल रोल जदि आम देखुचे कौन कौन फंक्शन तार रोचे ना, लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन, फिनान्सीयल पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल पावर, दीज आर द मल्टी इवेन अदर फंक्शन। देख तो बहुत सारा फंक्शंस अच्छी, तो से फंक्शन को लेकिन तुमको आमको जानापी पड़ो कौन कौन सब फंक्शन अच्छी। तो आगुरु तुम अलरेडी जा सारी कौ कौ सब फंक्शन रही, जमी लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन। तो फॉर एग्जांपल जितेबले पार्लियामेंट तार लॉ मेकिंग करुची, सेतेबले को यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट को नहीं कि लॉ मेकिंग करुची, जोटे कि जनरल सर्कमस्टेंसेस रे करुची। सेवेन स्केड्यूल ले तार जो सब्जेक्ट अच्छी एठी तुम लिखा ही देख कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट केतरा सब्जेक्ट से गुडा को मन रखिबो, जेमती सबुटू बेसी सब्जेक्ट कोथरे अच्छी। तो यूनियन लिस्ट रे सबुटू बेसी सब्जेक्ट अच्छी 98 सब्जेक्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट रे 52 सब्जेक्ट एंड स्टेट लिस्ट रे कम सब्जेक्ट अच्छे। तो स्टेट लिस्ट भी मे बी बेसी सब्जेक्ट अच्छे, तुम चेक कर स्टेट लिस्ट रे टोटल मे बी 66 पाखापाखि अच्छे। हाँ लिखाई देखो 66 सब्जेक्ट अच्छे। ओके 66 सब्जेक्ट थी बट ए 59 सब्जेक्ट अच्छे। तो कौ सब्जेक्ट गुड़ा से कनकरेन्ट लिस्ट को नहीं जाइए ताकि तुमको मन रखापी पड़ो, से जो सेंटर स्टेट रिलेसन जो टपिक अच्छे से पाक जाइ तुम पढ़ो। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रे कौन करुच यूनियन लिस्ट आउ कॉन्करेंट लिस्ट को लेकिन तार बिल सब ताकू रिलेटेड जिते सब सब्जेक्ट अच्छे ताकू नहीं कि लॉ मेकिंग करी पारुच, बट स्टेट लिस्ट को लेकिन भी से लॉ मेकिंग करी पारिबो पांचटा पार्ट रे बा पांचटा वे रे ना नहीं। जितेबले राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करिबो, नेशनल इमरजेंसी केस रे करी पारिबो, प्रेसिडेंट रूल केस रे करी पारिबो, जदि स्टेट दिजन दुटा स्टेट मिसिकी कि बेसी स्टेट मिसिकी जॉइंट रिक्वेस्ट करेंगे ताल भी हो पार, एंड जदि किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट पकेबार थिबो ताले करि परिबो। सो ए पांचटा कंडीशन को सब बेले मन रखिबो। देन जदि आम देखिबा पार्लियामेंट रो आउ कौन रोल ना, पार्लियामेंट रे ऑर्डिनेंस भी जितेबले ऑर्डिनेंस जित ऑर्डिनेंस को प्रमोलगेट किए करते प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो प्रमोलगेट करते तापरे ताकु एक्चुअली लॉ मेकिंग करिया पे ऑर्डिनेंस को पुनी पास करिया पे पड़े पार्लियामेंट रे। तो विदिन 6 वीक आफ्टर द रीअसेंबली दे हैव टू पास द ऑर्डिनेंस। ओके तो से ऑर्डिनेंस को नहीं कि जो लॉ मेकिंग सेतरे समाने विदिन 6 मंथ रे ताकु पास करेबार बा अप्रूव करिबा पे ताकु पड़िबो। देन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी अछि, माने गोटे लॉ को समाने जस्ट स्केलेटन पार्ट रे समाने मेंशन कर दियंती, आउ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन माने से लॉ को बेस करके डिफरेंट रूल मेकिंग करते किए डिफरेंट मिनिस्ट्री डिफरेंट डिपार्टमेंट माने रूल मेकिंग करते ना नहीं। तो ताको हमें कौन कहते डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यहाँ है कौन ना लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। सेमती एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन अच्छे, एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन माने कौन ना एग्जीक्यूटिव माने एक्चुअली कौन करते जिनस को इम्प्लीमेंट कर लॉ जो जिनसा लिखाई लॉ मेकिंग करते कितु ओरिजिनली काम किए कर एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर माने कर आईएएस ऑफिसर माने कर ना नहीं। तो एग्जीक्यूटिव माने जो काम कर पाखे जो पार्लियामेंट पाखे एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन कौन कौन पाई ना पार्लियामेंट इज डिपेंडेंट टू एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर इट्स पॉलिसी एंड आक्ट। एग्जीक्यूटिव जहाँ भी काम कर दे आर रिस्पन्सिबल टू पार्लियामेंट, तांकर काम पई समाने ही निजे रिस्पन्सिबल। ओके तांकर पार्लियामेंट रो पॉलिसी और आक्ट को लेकिन समाने रिस्पन्सिबल। सेथिपई पार्लियामेंट कौन करे ना एग्जीक्यूटिव मानक चेक करिया पई डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बा डिफरेंट डिवाइसेस सब यूज करे, जोटा आम ऑलरेडी डिस्कस करचे क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, हाफ एन आवर डिस्कसन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कसन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन,
ନନ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍, ସେନ୍ସର ମୋସନ୍, ଅଦର ଡିସ୍କସନ୍। ତ ଏଇସବୁ ମୋସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ମୋସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ତାକୁ କଭର କରିବ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ତୁମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ବା ପାୱାର ତୁମର ଦେଖିବ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବଜେଟକୁ ନେଇକି ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଯେମିତି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ କରୁଛି, ବଜେଟକୁ ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ବଜେଟ ପରେ ବି ପୋଷ୍ଟ ବଜେଟରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଟି ମାନେ ତାକୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍। ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ। ଏକ୍ସାମରେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ କ'ଣ ନା, ଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ତ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ 2021ର UPSC ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଥିଲା। ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍କୁ କେମିତି ତୁମେ ମେଜର କରୁଛ, ତାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେ ଲେଖିସାରିଛ, ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛ। ସୋ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିସାରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କଭର କରୁନି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମରେ କେଉଁଟା ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ରୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ୟାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି, ବଟ୍ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା କ'ଣ। ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଟରଡେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆସିବନି, ବଟ୍ ତୁମର ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିପାରେ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡେଲି ଆନ୍ସର୍ ବେସିସ୍ରେ କାଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବି, ରାଜ୍ୟସଭାର ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବି, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରୁନି, ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ। ତ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିପାରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍, ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍କୁ ନେଇକି ଜଷ୍ଟ ଆମେ କିଛି ପାର୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା 5 ମିନିଟ୍। ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସିମ୍ପଲ୍ ବୁଝ। ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ'ଣ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ର ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ'ଣ, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ'ଣ, ତାପରେ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଉସ୍। ତ ବ୍ରିଚ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ'ଣ, କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଉସ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଏତିକିରେ ତୁମର ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ଯଦି 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିବ, 10 ମାର୍କର ଆନ୍ସର୍ ଆଟେନ୍ କରିପାରିବ, 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେନ୍ କରିଥିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି, ସବର୍ନିଟି ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେ ପଢ଼ିଛ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିଛ। ତ ଜଷ୍ଟ ଜାଣ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଆର୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ରାଇଟ୍, ଇମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେମ୍ପସନ୍ ଏନ୍ଜୟ ବାଇ 2 ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ଦେୟାର କମିଟି ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ମେମ୍ବର୍ସ। ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ତୁମେ କହିପାରିବ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମେମ୍ବର ସେଇଥିର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିବା, 2ଟା ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ସେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାର୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଇଭେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୁମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଛି। ତ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ, 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1978ରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିଶ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରି ପ୍ରୋସିଡିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରାୟର ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ, ଡିବେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ନିଜେ ପାଖରେ ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ରଖୁଥିଲା, ସେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ପବ୍ଲିଶ କରୁଥିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ 44th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1978ରେ ପ୍ରେସ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରାୟର ପରମିସନ୍ ବି ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବ ଫ୍ରିଡମ୍କୁ, ଆମର କ'ଣ କରିପାରିବ ନା, ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବ, ରିପୋର୍ଟକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବ, ଡିବେଟ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂକୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ତୁମେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏକ୍ସାମ୍ରେ ପଢ଼ିବ। ଇଭେନ୍ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଓକେ,
तो इंडिविजुअल प्रिविलेज भी सेमती जदि हम देखिबा पर्सनली गोटे गोटे मेंबर को कोन कोन सब प्रिविलेज दिया जाउछि। सपोज एटी गोटे मो एग्जांपल दउछि, देखो जदि जणे मेंबर अछन्ति, जणे पार्लियामेंट रो जणे मेंबर, ताकु अरेस्ट करा जाई पारिबनि। जदि पार्लियामेंट सेशन थिबो, पार्लियामेंट सेशन रो 40 डेज आगुरु किबा 40 डेज परे अरेस्ट करा जाई पारिबो नाही। पार्लियामेंट रे से जहां चाहिबे ताहा कहि पारिबे। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच ताकु केही किछि कहि पारिबे नाही। इवेन ताकु जूरी सर्विस रु एग्जेम्प कराई जी, ता माने को कोर्ट भी ताकु कहि परिबे नि जे तमे पार्लियामेंट्री सेशन टाइम रे तमे आसी कि विटनेस हो कि तम ताकु समन करि परिबे नाही। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो गोटा दिया जाई छी, सही प्रिविलेज को जदि किए ब्रीच कला इंडिविजुअल हो कि कोनोसी अथॉरिटी हो, ताकु आमे कोन कहउछे ना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहउछे। ओके, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहउछे। जदि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस केतेबेले कहउछे ना, लेखाई छी देखो, एनी आक्ट और ऑमिशन व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जदि हाउस ऑफ पार्लियामेंट रो जो प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट करूची, ताहले हमर कोन होची, ताको हमें कंटेम्प्ट ऑफ हाउस कहूचे। ओके, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ता भितरे किछि डिफरेंसेस अछि। तो कोन कोन डिफरेंस अछि ताको तमे देखिबो, जस्ट खाली मन रखिबो जे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मे अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। लाइकवाइज कंटेम्प्ट ऑफ हाउस मे इंक्लूड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आल्सो। हाउएवर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हाउएवर हैज वाइडर इम्प्लिकेशन। कौन पाई ना, पार्लियामेंट रो हाउस हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट को से कौन करुची, ऑब्स्ट्रक करुची तार मेंबर को किमा तार ऑफिसर को तार ऑफिशियल ड्यूटी रे परफॉर्मेंस परफॉर्म करिया पई ताकु ऑब्स्ट्रक करुची। सेति पई तार कॉन्सिक्वेंसेस टा बेसी बा तार इम्प्लिकेशन इज वाइडर। तो सही सेंस रे तमे याकु मन रखिबो। आउ सोर्सेस ऑफ प्रिविलेज जे तमे देखु छ कॉन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल 105 एक्सप्रेसिवली मेंशन टू प्रिविलेज। ओके, तो जोटा आम देखिले फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट टू पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग, बट सेमिति कि कोनोसी कॉडिफिकेशन नाही, माने कोनोसी जगह रे मेंशन हेनी जे ए जो प्रिविलेज गुडा तार लिमिट किछि अछि बोली सेमिति किछि मेंशन होइ नै। कोन पे मेंशन होइ नै ना, पार्लियामेंटेरियन माने चाहू नांती जे हमरो जो लिमिटेशन हमरो जो फ्रीडम अछि से फ्रीडम टा को हमकु कोनोसी गुडे कोड देई कि हमकु गुडे रेस्ट्रिक्ट करा जाउ, सो से माने चाहू छथि अनलिमिटेड प्रिविलेज। ओके, तो यदि तुम्हें क्वेश्चन आसीबो जे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को कॉडिफाई करिया पे सेमती किछि अछि कि तारो इशू टा को तुम्हें एटी पढ़ी पारिबो। इवन तुम्हें लेखा हिछि देखो पांचटा सोर्स रो हमें प्रिविलेज गुडा को पढ़ुचे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रे मेंशन हिछि, पार्लियामेंट रो जो लॉ मेकिंग हिछि ताकु सेथरे हिछि, बोथ हाउस ऑफ रूल ऑफ बोथ हाउस एथिरे तुम्हें पाइबो, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन रे पाइबो, आउ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रे पाइबो। तापरे नेक्स्ट पार्ट तुम्हें पढ़िबो, ऑलरेडी हमें पढ़ीचे सबर्निटी ऑफ पार्लियामेंट ए सब। आउ गोटे जिनस होला, मु तुमको ए जो नेक्स्ट जो टॉपिक अछि तुम पार्लियामेंट्री कमिटी, से पार्लियामेंट्री कमिटी को नहीं कि तार लिंक तुम मानक एथिरे प्रोवाइड करछि, बट एटा भी एग्जाम रे तुमरा आसीबोनी। मु कहि दउछि कोन पई ना, बहुत कम टाइम रे तुम माने एग्जाम दउछ, तो पार्लियामेंट्री कमिटी को नहीं कि सेमती क्वेश्चन आसीबोनी एही वीक रे। नेक्स्ट अलग जितेबाड़ एग्जाम हो सेतबाड़ को हम मु तुम मानक पचारि कि डेली आंसर राइटिंग रे पचारि। तापरे तुम सुप्रीम कोर्ट अछि मेजर चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट रे हमर कोन अछि, सुप्रीम कोर्ट कर पावर फंक्शन सब अछि, ताकु भी तुम्हें पढ़िबा दरकार नहीं एही वीक रे। कोन पढ़िबो ना, जुडिशियल रिव्यू पढ़िबो, जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़िबो, आउ जुडिशियल जुडिशियल टर्म को नहीं कि जहाँ सब अछि। ओके, इवेन तुम्हें पीआईएल पार्ट को भी पढ़ी पार। तो ए पार्ट भितर मु कोन करछि ना, जुडिशियल रिव्यू पार्ट को तुमको से इंस्ट्रक्शन रे जो हमर जो डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक दैछि, से लिंक को जाई कि तुम देख जुडिशियल रिव्यू को बुझे पे ट्राई कर। आउ सिविल सर्विस कॉर्नर रो बहुत सारा लिंक अछि देखिबो, तुम जस्ट जेतबे सर्च करिवो यूट्यूब रे जो जो चैप्टर तुम सर्च करिया पे चाहुचो सेही चैप्टर को तुम सर्च करिवो। सपोज मु कहबि पार्लियामेंट्री कमिटी को मु पढ़िबि, तो C23 जदि सर्च करिवो, तापरे चैप्टर ना लिखि दबो, सर्च करिवो, तापरे साइट रे लिखिवो सिविल सर्विस कॉर्नर, सेही वीडियो टा तुम मानको ऑटोमेटिकली आसी जिवो, सेति पई से पार्ट को तुम कवर करि परिवो ताको वीडियो देखिकि। ओके, सो ए वीडियो रे एतिकि। तो मे बी काली सकाळ मु क्लास करि परे, सेतबेळ को आमे अलगा पार्ट कोडा डिस्कस करिया, बट एबे पई एतिकि। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।